Hey guys, welcome back to my channel Sana Beauty and Entertainment. कैसे हो आप सब? तो आज मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, वो है बिगनर्स के लिए. बिगनर्स मेकअप लुक क्रिएट करूंगी आज मैं. मेरा फर्स्ट वीडियो है ये मेकअप के ऊपर, तो प्लीज मुझे जज मत कीजिएगा, जो भी गलती हुई प्लीज सॉरी. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं आज बहुत ही सिंपल सा क्यूट सा मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेंगे. तो बिगनर्स है तो हम ज़्यादा कुछ मैं प्रोडक्ट्स नहीं बताऊंगी, ऐसा बताऊंगी जिसमें आप सब कुछ एक ही या दो प्रोडक्ट में कर सकें. और मैं इसमें बता दूं कि मैं कोई भी ब्रशेस, कुछ भी मैं स्पॉन्जी कुछ चीज़ का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई भी टूल्स का यूज नहीं कर रही हूँ. जो मैं करूँगी सिर्फ हैंड से करूँगी, क्योंकि बिगनर्स के पास नहीं होते हैं इतना, और उनके मेकअप का उनको इतना नहीं मतलब ध्यान रहता है कि क्या लाना चाहिए क्या नहीं. तो आज मैं ऐसे सिर्फ उसे करूँगी. तो सबसे पहले तो अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए एलोवेरा जेल ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं. एलोवेरा जेल ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही आप यूज़ करें, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं. तो अच्छे से अपने स्किन पे स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है, सी आप देख सकते हो. नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे, मैं इसमें फाउंडेशन नहीं यूज़ करूँगी. मैं एक ही ऐसा चीज़ लाई हूँ जिसमें आप फाउंडेशन भी है, कंसीलर भी है, एंड इसे कंटूर भी आप कर सकते हो. मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जिसमें कंटूर मैं यूज़ नहीं करूँगी. तो ये है NYB का फाउंडेशन भी है, कंसीलर भी है, दोनों है आप देख सकते हैं. तो मैं ये भी यूज़ कर सकती हूँ. मेरा शेड है 03 है, तो मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी. अगर आप चाहते हैं तो ये आप बाय कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. इसमें तीनों चीज़ें. तो मैं इसमें करूँगी लैक्मे का 925 CC क्रीम मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ, जो बहुत ही अच्छा कवरेज देता है और बिगनर्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत परफेक्ट है. आपको फाउंडेशन यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छा है. इतना मैंने लिया है, ज़्यादा आपको नहीं लेना है. आप थोड़ा क्वान्टिटी में लीजिए, बहुत अच्छा ये कवरेज देगा. अगर आपको डार्क सर्कल है तो आप थोड़ा सा आई एरिया में भी लगा सकते हैं. मुझे ज़्यादा नहीं है तो मैं थोड़ा सा लगाऊंगी. थोड़ा सा आप नेक एरिया में भी लगा लें, क्योंकि हम लोग मेकअप करते हैं ज़्यादातर फेस पे ही करते हैं, और नेक अलग दिखता है और फेस अलग दिखता है. हम अपने फेस और नेक को साथ में मेकअप में ले लेना चाहिए. नेक्स्ट हमने ये कॉम्पैक्ट अपने मेकअप को सेट करने के लिए, ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए. तो मैं इसमें लूँगी NYB का कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी. ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अफोर्डेबल है. तो मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे डैब करके अप्लाई कर लूँगी. नेक्स्ट मैं इसमें अप्लाई करूंगी, अपने ब्राउज को फिल करूंगी. अगर आपके ब्राउज थिक हैं तो आप प्लीज़ उसे फिल मत कीजिए, अगर आपके पतले हैं तो आप थोड़ा सा ब्राउज को फिल कर सकते हैं. अगर पास आपके पास ब्राउज पैलेट नहीं है तो आप इसे काजल से भी कर सकते हैं, ये NYB का काजल भी है. तो मेरे ब्राउज सेट हो चुके हैं, एंड मैं नेक्स्ट इसमें यूज़ करने वाली हूँ, मैं इसी को एज ए काजल में यूज़ करूँगी. तो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी आईलाइनर. अगर आप आईलाइनर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं. बिगनर्स ज़्यादा आईलाइनर, लेकिन आईलाइनर आप काजल लगाओ ना लगाओ, लेकिन आईलाइनर आप लगा सकते हो. मैं यहाँ पर NYB का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं बहुत ही मतलब पतला मैं आईलाइनर इसमें लगाने वाली हूँ. सी
गाइस, आप दोनों आईज में आप देख सकते हो कितना डिफरेंस लग रहा है। सो गाइस, मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। अगर आप मस्कारा लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अगर आपके पास मस्कारा नहीं और लगाना आप चाहते हो तो ये आईलाइनर का आप ये देख सकते हो, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई मस्कारा रखा हुआ है तो इसमें डब करके और इसे आप आईलाइनर सॉरी मस्कारा यूज कर सकते हो। आप लोअर लैशेस पे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक टोन। लिपस्टिक लिए मैंने NYV का लिपस्टिक लिया है, ऑरेंज शेड मैंने लिया है। तो आप ये मैंने ज्यादातर मैंने प्रोडक्ट्स NYV का क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल रहते हैं और टीनेजर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि टीनेजर्स ज्यादा मतलब प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते। तो मैं इस पे पिंक शेड पे मैं ऑरेंज शेड अप्लाई करूंगी। कर लिया है ऑरेंज शेड। अगर आप ब्लश लगाना चाहते हो तो आप इसी से आप थोड़ा सा और हैंड से ही स्मज कर सकते हो आप, एकदम थोड़ा सा आपको अप्लाई करना ताकि आपको पता ना चले, बिल्कुल नेचुरल लगे। आप देख सकते हो बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड मेरा फेवरेट हाइलाइटर एंड सभी गर्ल्स का फेवरेट होगा, हाइलाइटर बहुत ही अच्छा होता है। आपके पास कोई मेकअप का प्रोडक्ट हो ना हो, आपके पास हाइलाइटर और काजल आपके पास होना चाहिए, बहुत ही अच्छा है और आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो देता है, तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर ले रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अफोर्डेबल होता है। तो मैं यहाँ पे हैंड से कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं कोई भी ब्रशेस का यूज नहीं करूंगी। तो बहुत ही आप देख सकते हो गाइस, इतना नेचुरली ग्लो आ रहा है। सो गाइस, मेरा ये लुक बहुत ही अच्छे से क्रिएट हो चुका है एंड आप देख सकते हो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, कितना क्यूट, कितना ये आप देखते हो, देख सकते हो ये हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आया है, खिल के बहुत ज्यादा अच्छा आया है। गाइज, आई होप आपको ये वीडियो, ये मेकअप लुक आपको बहुत अच्छा लगा हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा हो। ये फर्स्ट है तो प्लीज आप जज बिल्कुल मत कीजिएगा एंड प्लीज आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये लुक, अच्छा लगा या खराब लगा, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइए। एंड प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये वीडियो अच्छा लगा, ये मेकअप अच्छा लगा, प्लीज एक थम्स अप हिट कर दीजिए प्लीज। एंड मैं फिर एक नेक्स्ट मेकअप लुक लाऊंगी। अगर आपको पसंद है कौन सा मेकअप लुक चाहिए तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं वो लुक इंशाल्लाह जरूर क्रिएट करूंगी। एंड आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा तो प्लीज मुझे बताइए। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, फिर ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।